सुजानपुर विकासखंड अधिकारी निशांत शर्मा द्वारा एक मिसाल पेश की गई है, जिसमें एक ग्राम पंचायत के परिवार को निजी भूमि पर डंगा लगवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे मात्र 2 घंटे के भीतर ही उनको डंगा लगाने की परमिशन दे दी गई। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति निजी भूमि पर डंगा, सड़क निर्माण, खातरियों का निर्माण करना चाहता है तो इसका आवेदन विकासखंड अधिकारी के पास दे सकता है, और यदि विकासखंड कार्यालय में नहीं आ सकता है तो वे अपने पंचायत प्रधान, सचिव और वार्ड पंच के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजकर उसको सैंक्शन भी कर दिया जाएगा, जिसके लिए ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप के तहत लोगों को जागृत किया जाएगा, ताकि लोग अपनी निजी भूमि पर सरकारी पैसा लगाकर अपने कार्य को अमली जामा पहना सकें। जी है जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अच्छे जमीन का विषय उठाया है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि व्यक्तियों को जो विकासखंड कार्यालय तक आ सके, केवल लोग सीधे हम तक आते हैं, उनको हम बाई हैंड यहाँ पर स्वीकृति पत्र देंगे, और यदि कोई यहाँ तक नहीं आ सकता है तो वो संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यालय में जा करके वहाँ के प्रधान जी, सचिव साहब, किसी भी हमारे कर्मचारी को वहाँ पर आवेदन दे दें, उनके माध्यम से ईमेल के माध्यम से हमें एप्लीकेशन आ जाएगी और हम ईमेल के माध्यम से ही उनका स्वीकृति पत्र वापस दे देंगे। इसमें कोई विशेष प्रोफॉर्मा नहीं है। हम समझते हैं कुछ तकनीकी लैंग्वेज होती है सेंक्शन की, कागजों की, लेकिन हमने प्रयास किया कि व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज में लिख ले, हम वो समझ जाएंगे कि इन्हें एक्चुअली ज़रूरत किस चीज़ की है। और हम सेंक्शन में, जैसे हमारे पास श्री वीर सिंह जी आए थे, तो इन्होंने एक कार्य लिखा है कि मेरे पास घर के बाहर डंगा गिर गया है, लेकिन इसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसे भूमि सुधार कहते हैं। जनरली आम व्यक्ति को इस चीज़ों का पता नहीं होता, तो जो भी व्यक्ति जैसा भी अपना जो भी उनकी समस्या वो लिख करके लेके आए, जो भी तकनीकी ज़रूरतें होंगी वो हम अपने हिसाब से देख लेंगे, और आने की आवश्यकता नहीं, कोई भी ग्राम पंचायत में दे दे। और उन्हें ये लगता है कि मैंने ग्राम पंचायत में दी है, 5-7 दिन तक उनको नहीं कन्फर्मेशन आती है तो उनका सेंक्शन हो गया है, तो मेरा ये भी निवेदन है कि वो फ़ोन पर मुझे बता दें कि मैंने इतनी तारीख को दिया था, अभी तक मुझे वापस नहीं मिला है। सर, ये जो कार्य है ये निजी क्षेत्र में होना है या सरकारी क्षेत्र में, जो लोगों में संचय भी बना हुआ है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? लोगों को एक आह्वान करिए हमारे चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार से ये जो कार्य है किस क्षेत्र में होना है। लोग अधिकतर यही सोचते नजर आते हैं कि सरकारी भूमि पर ही इसका जो कार्य होना है। सर, विस्तार से हमें बताइए। जी, जो ये आवेदन के माध्यम से स्वीकृति पत्र देने की जो कोशिश यहाँ पर हुई है, उसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि निजी श्रेणी के कार्य हैं, जैसे भूमि सुधार, जो व्यक्ति अपनी भूमि निजी भूमि पर करवाते हैं, काउशेड, किसी का डंगा गिर गया, कोई निजी भूमि पर कोई वर्मी पिट, सॉक पिट या खातरियाँ निर्माण, इस प्रकार के जो भी निजी कार्य श्रेणी में आते हैं, व्यक्तियों की अपनी परिसंपत्तियों का निर्माण जिसमें होता है, ये वो प्रकार के कार्य हैं। इसमें व्यक्ति केवल अपनी निजी भूमि पर ही कार्य करवा पाएंगे। जहाँ तक सामुदायिक कार्यों का विषय है, जैसे हमारे सड़कें बनती है, रास्ते बनते हैं, इस प्रकार के कार्य, वो ग्राम सभा की शेल्फ के माध्यम से जो प्रक्रिया होती है वो उसी तरीके से बनेंगे। ये जो बेनिफिट दिया जा रहा है ये व्यक्तियों को उनके निजी कार्यों के लिए दिया जा रहा है। मेरा आप सभी से ये भी निवेदन है कि निसंदेह हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मनरेगा योजना का एक उद्देश्य है कि व्यक्तियों के लिए स्थायी रूप से रोजगार के साधन सृजित हों, और उसी दिशा में हम भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन निजी जो हमारे कार्य हैं उसके साथ साथ ग्राम पंचायतों की, गाँवों की जनरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे लोगों से निवेदन रहेगा कि अपने निजी कार्य भी करें, लेकिन कम से कम 30 से 40 मैंडेट, वर्ष में 120 मैंडेट हर एक हमारे जॉब कार्ड पे व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है, उसमें अगर आप 80 से 90 मैंडेट अपने निजी कार्य पे करते हैं, अपनी निजी भूमि पे करते हैं, तो कम से कम 30 से 40 कार्य दिवस पर अपने गांव के सामुदायिक विकास के कार्य में जरूर लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जो जनरल डेवलपमेंट होगी उसका फ़ायदा भी हम लोगों को निजी रूप से ही होता है। तो ये मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारा प्रयास है अधिक से अधिक कार्य करें, अधिक से अधिक लोगों के जॉब कार्ड बनाएं, अधिक से अधिक जनरल डेवलपमेंट के, निजी डेवलपमेंट के कार्य, निजी भूमि के कार्य करें, ताकि जो गांव हैं उन गांवों को एक सामुदायिक, सामूहिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उसके विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। सर, इस योजना को लाभान्वित करने के लिए आपने अपने स्तर पर किन किन मतलब किन किन स्रोतों से लोगों को, मतलब ये जो योजना है, पहुँचाने का प्रयत्न किया है, सर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो इसमें मैं आप लोगों का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन हमने यहाँ पर शुरुआत की थी उस दिन भी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के, हमारे साथियों के माध्यम से क्षेत्र में काफ़ी इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार हुआ। उसके उपरांत मैंने सभी अपनी ग्राम पंचायतों की विजिट कर ली है, और उन ग्राम पंचायतों में मैंने जितने भी हमारे वार्ड सदस्यगण हैं, कई ग्राम पंचायतों में हमारे माननीय समिति के, हमारे माननीय जिला परिषद सदस्यगण भी उपस्थित रहे,
लेकिन वार्ड सदस्यगण, प्रधान, उपप्रधान और स्टाफ सभी लोग उपस्थित रहे। वहाँ पर जा जा करके हमने विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया किस प्रकार से कार्य करवाने हैं। तो मेरी आशा है कि वार्ड सदस्यों के माध्यम से, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांव-गांव तक इस योजना की जानकारी पहुंचेगी और अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। थैंक यू। इस अवसर पर उक्त व्यक्ति ने विकासखंड अधिकारी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बस यही कहना। और लोगों से आग्रह, हाँ जी, लोगों को तो पूरी बात बताऊंगा, जाकर सभी को बोलूंगा मैं, अगर किसी को समस्या होगी मैं इनके पास भेजूंगा। ठीक।